पर रवान साल मानसून सीजन में बारिशें कम होने से खुशकसाली का खतरा है। खुशकसाली से जिलालिया और मुजफ्फरगढ़ के असला शदीद मुतासिर हो सकते हैं। मानसून का मुकम्मल सीजन गुजर चुका है, तहाल जनूबी पंजाब में बारिशें नहीं हुई हैं। शहबाज बुखारी दरियाए सिंध में हेतौनसा पर 1,80,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर गुजशतर साल इन दिनों में दरियाए सिंध में 6 लाख क्यूसिक से जायद पानी मौजूद था। इसके हवाले से मजीद जानते हैं तैयब सैफ से। जी तैयब सैफ, बताइएगा खुशहाली का समय है। मानसून सीजन स्टार्ट हुआ और कुछ हद तक उसमें बारिशें भी हुई, लेकिन अब मानसून सीजन जो है अपने इख्ताम की जानब गामजन है, लेकिन जितनी इस मानसून सीजन में बारिशों का एक उम्मीद की जा रही थी उस हिसाब से बारिशें नहीं हुई। लेकिन इन कम बारिशें जो हुई हैं इससे क्या नुकसान होगा हमारे जो किसान हैं उनको, हमारे जो बाकी जो चीज़ें हैं मामलात हैं उनको, और ख़ासतौर पर जब आखिरी स्पेल रहता है इस स्पेल में क्या चीज़ें मतवक़ हैं, इस हवाले से हम बात करते हैं। PDMA के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हमारे साथ मौजूद हैं। सर थोड़ा सा बताइएगा इस हवाले से हमें कि अब आखिरी ये जो स्पेल आ रहा है इसमें क्या कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं और कम बारिशों से क्या नुकसान हो सकता है हमें थोड़ा। अच्छा, इस वक्त जो है जो पानी की सतह है हमारे 300 बिराज में जो डाउन स्ट्रीम है इस वक्त 1,80,000 चल रहा है और अब पे हम 2 लाख पे हैं। इस वक्त मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त खुशकसाल या ड्राउट की पोजीशन है। इस वक्त इंडस में जो लास्ट हमारी हिस्ट्री है तो ये 6 लाख से ऊपर होता था पानी, 6, 6.5 लाख, 7 लाख होता था, लेकिन अब जो है इस वक्त जो पोजीशन बन चुकी है 2 लाख पे है पानी। तो आगे जो मुतवक्की हैं बारिशें 14 अगस्त से 16 अगस्त तक जो डीजी खंड में बारिशें मुतवक्की हैं, इससे भी वो बारिशें नॉर्मल होंगी, ना ही फसलों को नुकसान होगा, ना ही बस इस तरह समझ लें कि मौसम में थोड़ी सी तब्दीली आ जाएगी। तो इस वक्त PDMA में तो ड्राउट की तरफ जा रहा है, लैया में और मुजफ्फरगढ़ के कुछ जो पार्शली एरियाज हैं उधर ड्राउट पर सर्वे और काम स्टार्ट हो चुका है। तो PDMA में अगर हम बात करते हैं कि जो आखिरी स्पेल है इसमें कोहे सुलेमान के कुछ इलाके हैं जो कुछ हमारे। जी शुक्रिया तैयब सैफ आपका।